राशि वालों, अक्टूबर महीने में फिर से महाबदलाव होने वाला है। होकर मायूस नहीं, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी बोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाव में ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। जो इस चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही होगा, लेकिन जो अभी अभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि 6 सितंबर से 22 अक्टूबर मंगल मचाएगा दंगल। इस वीडियो में मैंने राजकीय भूकंप को लेकर, राज्य में बड़े उलटफेर को लेकर जो भविष्यवाणी की है वह गुजरात में पंजाब में 100% सही होती जा रही है। वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। और आगे अक्टूबर महीने में भी भारत से लेकर पूरे विश्व में बड़े बदलाव होंगे। रोजगार के क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी, रियल एस्टेट के क्षेत्र में उन्नति होगी, तो शिक्षा और धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले होंगे, तो शेयर बाजार में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इन सब के बीच में वृश्चिक राशि वालों, आपके भविष्य को लेकर भी बड़ा अकल्पनीय अवसर आने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल ग्रह देह भाव जय भाव के लोड होकर लाभ भाव में विराजमान है, जो धन दौलत सुख प्रदान करने वाले है। नौकरी पद के कारक सूर्य ग्रह कर्म भाव के लोड होकर धन भाव में विराजमान है, जो अचानक से लाभ प्रदान करने वाले है। उन्नति और परिवर्तन के कारक गुरु ग्रह धन भाव व विद्या भाव के लोड होकर पराक्रम भाव में स्थित है, जो अवसर प्रदान करने वाले है। यह ग्रह स्थितियां आपकी जिंदगी में बदलाव और लाभ परिस्थितियों का निर्माण कर रही है, जिसके कारण अक्टूबर महीने में आपके रोने के दिन खत्म होने वाले है। वृश्चिक राशि बल 2021 के अनुसार अक्टूबर का महीना आपके जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। महीने के प्रारंभ से ही आर्थिक स्थितियां बढ़िया रहेगी, समाज में रुतबा मान सम्मान बढ़ेगा, तो जिनके करियर में उतार चढ़ाव की परिस्थिति बनी हुई थी वह भी दूर होगी, यानी कि इस समय आपको कार्य से जुड़ा हुआ लाभ प्राप्त होगा, तो माता की सेहत से जुड़ी हुई समस्या भी खत्म होगी। विशेष रूप से जिसने पिछले समय में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और अब फल चखने की बारी आई है, तो मान के चलिए आप अवश्य ही फल चख पाएंगे। जहां रोजी रोजगार और कार्य क्षेत्र में आमदनी में इजाफा होगा, तो जो नौकरी की तलाश में है उनकी तलाश भी पूर्ण होने जा रही है, जिससे इस महीने में आपकी वाणी पर प्रभाव बढ़ेगा, आपके एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो बुद्धि व मनोबल के चलते इस वक्त आप कार्य से लाभान्वित रहेंगे। यानी कि योग्यता के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं प्राप्त हो रही थी, तो अब नौकरी प्राप्त होगी, कार्य से जुड़ने का अवसर मिलेगा, शासन प्रशासन से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां भी निभाने का अवसर मिलेगा। जहां एक और पारिवारिक मोर्चे पर हो रही परेशानियों से आप निकल पाएंगे, तो दूसरी ओर इस वक्त धन को लेकर, पैतृक व्यवसाय को लेकर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। खासतौर पर जिन लोगों ने कोविड की वजह से, मंदी की वजह से कार्य में नुकसान झेला है, तो उनके करियर की रफ्तार तेज गति से दौड़ने लगेगी। तो दूसरी ओर जो खुद का व्यापार कर रहे हैं वह भी इस समय महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस समय शनि के प्रभाव के चलते सारे शत्रु परास्त हो गए, वह आपको प्रतिस्पर्धा में मात नहीं दे पाएंगे, तो दूसरी ओर महालक्ष्मी जी की भी कृपा आप पर बनी रहेगी, जिसके कारण इस समय खोया हुआ धन वापस मिलेगा, तो डूबे हुए पैसे भी लौट के आ सकते हैं। यहाँ तक आपने कहीं पर कार्य से जुड़ा हुआ आवेदन दिया है, प्रोजेक्ट मंजूर करने के लिए प्रयत्नशील है, या फिर सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में ठेका लेना चाहते हैं, तो इस वक्त आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो कमीशन एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक, संगीत एवं छोटे छोटे उद्योग से जुड़े हुए है, वह डबल मुनाफा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। तो वही जो विद्यार्थी जातक भौतिक शास्त्र, गणित, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, मेडिकल साइंस के साथ जुड़े हुए है, उन्हें इस समय एडमिशन तो मिलेगा, संबंधित परीक्षा में स्थाने का मौका मिलेगा, तो जो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उन्हें भी इस समय बड़ी जगह नौकरी मिलेगी। जी हाँ, इस वक्त आप अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए स्वयं पर गर्व अनुभव कर पाएंगे, सफलता मिलेगी, तो कोर्ट कचेरी से जुड़ा हुआ मामला आपके पक्ष में रहेगा, जहां 12 अक्टूबर के आसपास, 28 अक्टूबर के आसपास कुछ बड़ा होगा और जिसका आप कई महीनों से इंतजार कर रहे थे वह लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। तो दूसरी ओर इस महीने जो अपने परिश्रम के बलबूते पर दुनिया जीतना चाहते हैं उन्हें भागीदारी से जुड़ा हुआ बड़ा प्रस्ताव मिलेगा। इतना ही नहीं, वह आपकी उज्जवल भविष्य के लिए एक रास्ता तैयार करेगा। निश्चित तौर पर आप व्यवसाय व व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों के धरातल पर सहयोगात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। आप देश में ही नहीं विदेशों में भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कंपनी की ओर से विदेश के लिए पद के लिए आपका नाम आगे किया जाएगा, तो विदेश में स्थित जातक इस समय धन, परिवार, नौकरी एवं विवाह जैसी परिस्थितियों से भी निजात पा लेंगे। तो इस वक्त जो जमीन गतिविधियों से जुड़े हुए है, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए है, रोजमर्रा के कार्यों में यूज होने वाली चीजों के उत्पादन से जुड़े हुए है, कपड़े के व्यापारी है, रियल एस्टेट से जुड़े हुए है, तो यकीनन इस समय आपकी आमदनी में जबरदस्त वृद्धि होगी, तो बड़ा धन का लाभ मिलेगा। दोस्तों, जिनके जीवन में अचानक से वित्तीय संकट पैदा हो गया था, व्यवसाय के मामलों में बेतहाशा खर्च हो गया था, शेयर बाजार में सारे पैसे निवेश कर दिए थे या फिर कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया था, तो इस समय आपको लाभ प्राप्त होगा। तो वही
ऑफिस में कार्य क्षेत्र में बॉस एवं अधिकारी से मानसिक त्रस्त थे तो इस समय आपको नौकरी बदलने का भी अवसर मिलेगा। जी हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी से जहाँ ऑफर मिलेंगे तो जो वर्षों से एक ही स्थान पर स्थित होकर कार्य कर रहे हैं और पदोन्नति के इच्छुक है उन्हें इस समय अवसर उपलब्ध होगा। तो इसके साथ साथ इस महीने में गुप्त मुलाकातें, प्रेम मिलन, चोरी छुपे होने वाले प्रेम के मामले आपको रोमांचित कर देंगे, मानसिक शांति का कारक बनेंगे। तो दूसरी ओर बिजनेस के क्षेत्र में नए व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं वह लोग 100% लिखकर ले लीजिए, आपको बड़ा मौका मिलेगा। किसी बड़े व्यक्ति, उद्यमी एवं सरकारी अधिकारी का आपको साथ मिलेगा तो आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास और चुंबकीय व्यक्तित्व निखरेगा, उसके ही चलते आप बड़े सौदे करने में सफल रहेंगे। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे दुर्योग है, पाप योग है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जहां अक्टूबर महीना आपके प्रेम के लिए महत्वपूर्ण और निर्णायक भी साबित रहेगा तो इस महीने आप प्रेम को नया नाम देने में सफल रहेंगे। जो पूरी तरह से अकेले है, किसी सच्चे प्रेमी की तलाश में है तो यह तलाश पूर्ण हो सकती है। जी हाँ, इस वक्त घर के आसपास या कलीग के साथ किसी अजनबी के साथ आपके रिश्ते पनप सकते हैं तो पुराना साथी लौट के भी आपकी जिंदगी में आ सकता है। यकीनन इस महीने आपको कोई पार्टनर मिल ही जाएगा और वह आपको प्यार का खूबसूरत एहसास भी करवाएगा। तो जिनका एक तरफा प्यार शुरू हो चुका है उन्हें भी प्रेम जताने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, इस वक्त आप सिंगल्स में से डबल जरूर होंगे। हालांकि इस महीने में आपको प्रेम विवाह करने से बचना होगा, उधार देने से बचना होगा, स्त्री और मित्र से सावधान रहे वरना आपकी छवि खराब हो सकती है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिए, मौसमी बीमारी और पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए संभल कर रहे। जय गुरुदास।